लिए बाहर निकलने वाला नहीं है, हमें मजबूरी में निकलना पड़ रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों अभी पीछे देख सकते हो हमारे दीवार में कितनी काई पड़ गई है। जो बारिश का पानी होता है ना, जो गिरता है तो सारा इधर भरा जाता है। तो ये जो साइड में जो साइड में भी मिट्टी रखा हूँ, और इस मिट्टी में ना बहुत ज़्यादा सर्दी होता है, तब ये काई चढ़ जाता है दीवारों पर, तो काफ़ी थोड़ा सा मतलब ख़राब लग रहा है दीवार, और हमें डर। तो दोस्तों फाइनली खाना वाना खा के रेडी हैं, और भाई एक बोझा और ज़्यादा हो गया आज, क्योंकि भाई आज ये कपड़ा तो था ही था, तो इसको भी ऑर्डर पर कहीं देना था। ये दुनिया है जो मतलब कोई फुल्की वाला भाई कल फ़ोन किया था कि भाई मेरे पास आके दे जाना, क्योंकि मेरे पास फुल्की का दुनिया ख़त्म है, तो अभी उसको ले जा रहा हूँ, ऐसे दे दूंगा। और भाई उधर ही जाके फेरी मार लूँगा, क्योंकि आउट एरिया जाऊँगा तो तेल का भी बचत कर लूँगा, क्योंकि उतनी दूर जाऊँगा तो आधा लीटर तो तेल लग ही जाएगा। तो उधर कपड़ा लेके जा रहा हूँ, और साथ साथ में फेरी मार लूँगा, और उधर ही बेगरार की है नीचे नीचे सिलाब होकर दीवार लगे जाए बेच लूँगा। तो उधर तो कभी नहीं जाता था फेरी मारने के लिए, लेकिन फिलहाल आज पहला दिन है और डर डर के जा रहा हूँ। उधर थोड़ा जंगल टाइप का है, और उधर आउट एरिया है, नदी वदी है, तो उधर काफ़ी डर लगता है। तो देखता हूँ आज क्या होगा, उस साइड में कुछ बोहनी होता है, कुछ बिक्री होगा कि नहीं होगा, चलो देख। बिना कलर नहीं, ये वाले बिना लेस के इधर लगा, ये है, ये है प्याज में गोल्डन लाग आता नहीं, मतलब इससे मतलब ऐसे सेम है, नहीं है नहीं। साड़ी अच्छी है, मैं बहुत बेची साड़ी, सही है, सही है, सही है ना, मुलायम की देखो, मुलायम बहुत बढ़िया साड़ी है, देखो ये कलर, तीन कलर देख निकाले, तीनों तीन निकाले, एक और सबसे देखिए और ज़्यादा तो ना हुए, लगभग खत्म है, और ज़्यादा ना हुए, अच्छा लेस लगा है, बिना लेस वाली साड़ी, बस यही अपनी वही दो तीन चार भैया, कैसे पहना जाए था, कहाँ मेरा पीली है, यहाँ 350 तीन फिर वाली क्या चले वो दोनों चला दे देता बात देख ये तो नहीं यहाँ की दिए ले ली, ठीक है, हाँ, क्यों है नहीं। अरे चला दे दिया, तो लिया जानते हैं पियरी दिए अपन ले परे, हाँ चल दे तेला दिया का ना ना वो तब के भैया सब ये सब ना ले एक पीस हुए ऐसे, लेकिन महंगा मत है थोड़ा, हाँ देखा लेकिन खोल खोले तो फिर ऐसे दिखा देते हैं, बहुत मस्त कपड़ा है, बहुत अच्छा कपड़ा है, बहुत करिया है, बहुत मस्त कपड़ा, ये मैं कई थी लड़की ली से दो ही जोड़े के लाल रहा, लेकिन मेहरून पहन बहुत खूबसूरत कपड़ा एकदम, नहीं खोला नहीं दिखा वाला, बहुत मुलायम कपड़ा है, रियल लेस कपड़ा नहीं 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 रहा रहा है, तो भाई बेचते बेचते कपड़ा घर से इतनी दूर आ गया हूँ कि जिस रास्ते से अगर मैं वापस जाऊँ तो काफ़ी दिक्कत होगा, और काफ़ी देर लग जाएगा, कम से कम 2 घंटा लग जाएगा। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि रास्ता किस तरफ से जाऊँ कि अपने यहाँ का नज़दीक पाएगा, तो मैं भाई इस तरफ से आया हूँ जिधर से नदी बहते हुए आई है,
और ये बहुत बड़ा भाई नदी है और वहाँ तक पानी अभी दिख रहा होगा आपको लोगों को, वहाँ से वहाँ तक जो कैमरे में कवर नहीं हो रहा है। और क्योंकि भाई आज तो लगता है कि मैं रास्ता भूल जाऊँगा, क्योंकि मैं पहली बार इधर आया हूँ और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा, क्योंकि नया नया जगह देखने को मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। अभी देख सकते हो भाई नदी कितना बैठ गई है, क्योंकि बारिश का पानी था ये, तभी कम हो गया है। और अभी ये जो नदी चढ़ता है तो वहाँ जहाँ जानवर चढ़ रहे हैं वहाँ तक होता है। और तभी फ़िलहाल निकलता हूँ यहाँ से, क्योंकि काफ़ी देर हो गया है। तो भाई फाइनली अभी हर जगह से फेरी मार के जा रहा था, बस घर के गांव के कम से कम 10 किलोमीटर दूर ही था। और अभी 3:30 बज गया और अभी देख सकते हो लगता है कि 7 बज गया शाम के, इतने तेज़ बारिश आया है और मौसम कितना तेज़ ख़राब है। और तो भाई लोग अभी सारा सामान पैक कर लिया हूँ, और भाई देख सकते हो ये छोटे छोटे बच्चे हैं तो काफ़ी हेल्प किए मेरा, तो अभी अच्छे से बांध लिया हूँ क्योंकि बस निकलना है गाड़ी इधर से। और अभी बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि अभी बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि अभी हम भी गीले हो जाएंगे और जो जेब में सामान रखा वो भी हो जाएगा, लेकिन पूरा अंधेरा। तो दोस्तों अभी फाइनली बारिश थमेगी नहीं और मुझे 1 घंटा हो गया खड़े हुए, मैं 3 बजे इधर खड़ा था तब से मैं खड़ा हूँ, और अभी बारिश निकलने का थोड़ा सा भी गुंजाइश नहीं है। और मैं अभी मुझे देख सकते हो कितना पानी अभी गिर रहा है, और अभी बारिश तेजा ही रहा है क्योंकि मुझे अभी जाने में आधा घंटा के ऊपर लग जाएगा और यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, अंधेरा भी हो रहा है। तो अभी फटाफट यहाँ से चलता हूँ क्योंकि सामान तो अच्छे से मैं पैक कर लिया हूँ। अभी देख सकते हो इसे कहीं से पानी नहीं जाएगा, बस मोबाइल और कैमरा इस पन्नी में डाल देता हूँ, क्योंकि किसी पन्नी में डाल के सारा कुछ डिग्गी में रख देता हूँ। तो चलता हूँ दोस्तों फटाफट आगे। भाई ये बारिश निकलने वाला नहीं है, हमें मजबूरी में निकलना पड़ रहा है। गरीबी को देखा है मैंने इतने पास रोड पे, ये पता नहीं कितना गहरा है। भेज गो। अब थोड़े एक बात पता लगे यार। बचा। चल तो दोस्तों फाइनली घर पहुंच गया, और भाई आज जैसा किसी दिन नहीं बुरा हाल हुआ, क्योंकि हर रोज़ बारिश होता है और भाई बाहर निकलना भी ज़रूरी है, और जब हम बाहर निकलते हैं तो सही रहता, कस्टमर बने रहते हैं, अगर नहीं जाते तो थोड़ा दिक्कत आ जाता, फिर दूसरे दिन जाने दिल नहीं करता। तो भाई आज तो पूरा बहुत ऐसी ऐसी जगह आज गए थे जहाँ पर स्पेस नहीं बता सकते, ये जंगल में पूरा डर लग रहा था, वहाँ पे नदी नाला बहुत, मतलब हाँ उधर क्या नाम है अरहनपुराई। तो भाई हम ऐसी ऐसी जगह गए थे कि भाई बिल्कुल देखने में डर लग रहा था कि वहाँ आदमी रहते हैं कि नहीं रहते हैं, लेकिन गांव थे और पहला दिन था इसलिए गली मोहल्ला मालूम नहीं होता था, और जो कपड़ा लेता था भाई जहाँ गए थे थोड़ा मतलब VIP घर थे तो वहाँ भाई कपड़ा वीडियो उतना नहीं शूट कर पाए क्योंकि पहला दिन था, और ऐसी एरिया में गए थे अगर कोई गलती हमसे हो जाए किसी का वीडियो बनाते हुए या कुछ भी करते हुए, तो इधर तो पर्चे बन गया इसलिए मैं वीडियो बना लेता हूँ, लेकिन उधर फर्स्ट टाइम था तो इसलिए वीडियो ज़्यादा नहीं शूट कर पाता था, काफ़ी दिक्कत होता था। लेकिन दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों का वीडियो अच्छा लगा हो, और जो हमारे वीडियो को पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।